मरियम को होने लगा है फवाद से प्यार, लेकिन फवाद को होने लगी है मरियम से इनसिक्योरिटी। ये नजारा है सीरियल मरियम खान रिपोर्टिंग लाइव का, जहां मरियम और फवाद गाड़ी में बैठे हुए होते हैं और मरियम के फैंस मरियम का जबरदस्त तरीके से स्वागत करते हैं। कोई मरियम के साथ सेल्फी ले रहा है तो कोई मरियम का ऑटोग्राफ ले रहा है। देखिए आप भी देखिए कि किस तरह से गाड़ी के अंदर ही फैंस ने बैलून से किया है मरियम का स्वागत। भाई मरियम को स्पेशल फील करवाना तो बनता ही है ना, उन्होंने बहादुरी वाला काम जो किया है। मरियम की लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज और इंटरव्यू ने मरियम को रातों रात स्टार बना दिया है और कहीं ना कहीं फवाद को भी ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही है। आइए मरियम के पास ही चलते हैं और उन्हीं से जानते हैं पूरे सीन के बारे में। हाँ, मतलब पता नहीं मैंने इतनी अच्छी एंटरटेनमेंट और इतनी अच्छी बाइट कैसे की और कैसा अपना इंटरव्यू दिया। मतलब आई वॉज ऑन दी अदर साइड एंड मतलब इसके चैनल की टीआरपी बहुत अच्छी आ गई, चैनल पॉपुलर हो गया एंड मरियम भी मतलब मंजीत ओवरनाइट स्टार बन गई, स्टार जर्नलिस्ट आई है। तो हाँ, लोग उसे सड़क पे मिलते हैं, ऑटोग्राफ लेते हैं, बट तो हमारे जो ओनर हैं डेली न्यूज़ के फवाद अशरफ, उन्हें थोड़ी सी इनसिक्योरिटी होती है कि हैं ऐसे कैसे हो गया, मतलब ये एक दिन में ऐसा क्या हो गया। बट ऑन दी अदर हैंड समवेयर मरियम हैज ऑफकोर्स स्टार्टेड लाइकिंग हिम। मतलब वैसे शुरुआत कैसे लड्डू फूट रहे हैं बस, एंड अभी तक तो उसे रियलाइज नहीं हुआ, बट हाँ देर इज दिस लव हेट रिलेशनशिप विच वी हैव केप्ट गोइंग। मरियम, आपका बचपन से रिपोर्टर बनने का सपना था और फाइनली आज आपका सपना साकार भी हो गया, क्यों, सही कहा ना हमने? वो कभी रिपोर्टर नहीं बनना चाहती थी, ये जो भी कर रही है वो अपनी अबू की सच्चाई जानने के लिए कर रही है एंड अबू को पाने के लिए कर रही है। सो बाय चॉइस शी इज नॉट बिकम अ जर्नलिस्ट, वो बाय चॉइस को कभी नहीं बनना चाहती, बट आई डोंट नो यार ये जर्नी उसे कहाँ तक लेके जाती है। एंड व्हेन इट कम्स टू फवाद के साथ काम करना इट्स अ टफ थिंग, बिकॉज फवाद के साथ पहले उसका टशन चल रहा होता है एंड वो जर्नलिज्म में बिल्कुल बिलीव नहीं करती और उसे बिल्कुल पसंद भी नहीं। सो आई थिंक वो बस यू नो अपने फादर के लिए कर रही है, जो भी कर रही है, आई डोंट नो हाउ दिस गोज, बट या अभी लाइक राइट नाउ शी इज अ जर्नलिस्ट। वहीं दूसरी ओर मरियम के घर में हो रहा है बड़ा बवाल। छोटी के साथ मिलकर रिफत ने लगाया है मरियम के घर वालों पर चोरी का इल्जाम। महर रिफत का इशारा समझ जाती है और हो जाती है रिफत और महर के बीच गर्मा गर्म बहस। चोरी की भी चीज घर पर है, ये तुम्हें कैसे पता? चोरी की है या चोरों से मिली? चोरी की हम पे इल्जाम लगाने से पहले 100 बार सोच लीजिए घुमानी जान, हमें इस घर में ऐसी तालीम नहीं मिली। तुम इस घर की तालीम की जिक्र ही ना करो तो बेहतर है, हमारी तालीम क्या बोल खिला रही ये सब देख। क्यों मदीना, तनख्वाह पूरी नहीं पड़ रही थी जो घर में चोरियां शुरू हो गई? आइए रिफत के पास ही चलते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि आखिर आज रिफत मरियम के घर वालों से कैसा खेल खेल रही है। वैसे जिन पैतरों की आप बात कर रहे थे तो इस समय एक और भी पैतरा मुमानी खेल रही है एंड वो है कि बीजी जो अड़ंगे लगा रही है रिफत के प्लान्स में, उस कांटे को रास्ते से हटाने का एक षड्यंत्र है। कोशिश कर रही है एक चोरी का इल्जाम लगाकर, देखें क्या होता है आगे। आई डोंट नो, मतलब हो सकता है कि बीजी रिएक्ट करे और गुस्से से चली जाए वापस अमृतसर, क्या पता शायद रिफत कामयाब हो जाए अपने इस पैंतरे में। रिफत, तो ये सारा प्लान कहीं आपने बीजी को घर से किक आउट करने के लिए तो नहीं रचा है? आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कुछ छुपा नहीं रहता है।
वैसे हाँ ऐसा कुछ, ये जो बड़ी बेमानी है यानी कि मैं यानी कि रिफत कुछ ऐसा खेल खेलने जा ही रही है. यू कैन एक्सपेक्ट ऑल काइंड्स ऑफ न्यू पैंतरेज विद रिफत. कुछ भी हो सकता है मरियम खान रिपोर्टिंग लाइव में. वेल, रिफत अपने मकसद में कामयाब हो पाती है या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल मरियम को होने लगा है फवाद से प्यार. अब देखना ये है कि कब होगा मरियम और फवाद के बीच इश्क का इजहार. मुंबई से नवीन सिंह भारद्वाज की रिपोर्ट, E24.